Hello everyone, welcome back to my channel. आज के वीडियो में मैं आईज आईब्रो एंड नोज ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो अंत तक देखना कि मैं कैसे शेडिंग कर रहा हूँ, किस तरह से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले लाइट पेंसिल से मैं धीरे धीरे करके आईज को शेड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। इसी तरह से मैं दूसरे आईज को भी शेडिंग करूँगा। रियलिस्टिक लुक देने के लिए सबसे पहले लाइट पेंसिल का यूज़ करके लाइटली शेडिंग कर रहा हूँ। इसके ऊपर से मैं जहाँ पे डार्क है, डार्क एरिया है, वहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज़ करके डार्क करूँगा। तो सबसे पहले लाइट पेंसिल का यूज़ करके मैं कर रहा हूँ। अभी दूसरे आईज को भी मैं शेडिंग कर रहा हूँ लाइटली। मैकेनिकल पेंसिल यूज करके ही मैं कर रहा हूँ। 0.5 का है और बहुत लाइट होता है। आप कोई सा भी पेंसिल यूज करके कर सकते हो, जैसे कि HB ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि HB बहुत लाइट होता है। इस मैकेनिकल पेंसिल में मैं HB लीड का यूज़ कर रहा हूँ। आप HB पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, शॉप में, स्टेशनरी शॉप में भी मिल जाएगा। मैं ब्रश का यूज़ करके भी ब्लाइंड कर रहा हूँ पेलेटन के बाद। मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा डार्क करने के लिए। जहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्क है वहाँ पे डार्क पोर्शन देने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे ज़्यादा डार्क है मैं ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ करूँगा, जैसे कि 6B 10B 8B उस पेंसिल का यूज़ करूँगा। अभी ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ 6B पेंसिल यूज़ करके। आईब्रो की हर एक लाइन को मैं धीरे धीरे करके दिया, वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया, लेकिन मैं हर एक लाइन को मैं एक एक करके अच्छे से किया था, आप देख सकते हो। मैं 6B पेंसिल का यूज़ करके हर एक लाइन को दे रहा हूँ एकदम लाइटली, धीरे धीरे करके। पेंसिल को ज़्यादा प्रेशर का यूज़ मत करो, मैं भी एकदम लाइटली यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करता हो तो पेपर ख़राब हो सकता है, पेपर में दाग हो सकता है, पेपर फट भी सकता है, तो इसलिए लाइटली यूज़ करना होता है। शेडिंग के लिए हमेशा लाइटली यूज़ करना होता है। ग्रेड वाइज पेंसिल को ग्रेड वाइज यूज़ करके लाइटली शेड करना पड़ता है। आप अगर बिगिनर्स हो तो पेंसिल के ग्रेड के अकॉर्डिंग शेडिंग करना, शेडिंग हमेशा लाइटली यूज़ करना चाहिए। जहाँ पे प्रेशर की ज़रूरत है वहाँ पे ही प्रेशर देना, और जहाँ पे लाइटली यूज़ करना होता है वहाँ पे लाइटली यूज़ करना। रियलिस्टिक ड्राइंग में हाईलाइट बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए आप इरेजर का भी यूज़ कर सकते हो या वाइट छोड़ सकते हो। जैसे कि मैं मोनोजीरो इरेजर का यूज़ करता हूँ, कभी कभी वाइट छोड़ देता हूँ। Thank you.
आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं लिप्स एंड ईयर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you.